हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय यादव और आज हम बात करेंगे कोविड सर्टिफिकेट के बारे में, कैसे अपना कोविड सर्टिफिकेट डाउनलोड करें। सबसे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो कोविड सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हम अपने गूगल ब्राउज़र में जाएंगे। गूगल ब्राउज़र में जाने के बाद हम सर्च करेंगे COWIN कोविन। कोविन सर्च करने के बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा और रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आ रहा है एंटर योर मोबाइल नंबर, यानी कि जब आपने वैक्सीन लगवाई थी और वैक्सीन लगवाने के टाइम जो मोबाइल नंबर दिया था वही वाला मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालना है। जैसे अभी मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ अपना ही। मोबाइल नंबर डालने के बाद गेट OTP पे करेंगे और यहाँ पे OTP आएगा एक जो 6 डिजिट का होगा। OTP हमें यहाँ पर डालना है। देखिए OTP आ चुका है। OTP यहाँ से कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे और वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई और प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस नंबर से जितने भी रजिस्टर हुए हैं, जितने भी कैंडिडेट को रजिस्टर किया वो सारे के सारे खुल जाएंगे। एक नंबर से हम 4 कैंडिडेट्स का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अभी मेरे नंबर से 3 लोगों का हुआ है। अभी बात करते हैं सर्टिफिकेट की। सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए सर्टिफिकेट लिखा आ रहा है, ये देखिए। सर्टिफिकेट पर हम क्लिक कर देंगे। सर्टिफिकेट पर क्लिक करने के बाद थोड़ी सी प्रोसेसिंग होती है और ये डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे। ये हमारा सर्टिफिकेट डाउनलोड हो चुका है। आइए चेक कर लेते हैं किस तरीके का होता है कोविड सर्टिफिकेट। तो देखिए दोस्तों, ये होता है हमारा कोविड सर्टिफिकेट। ये इस चीज़ का प्रूफ होता है कि हमारे कोविड 19 का टीकाकरण हो चुका है। अगर आप कहीं जाते हैं, जैसे रिजर्वेशन करते हैं, कहीं भी जाते हैं, कोई भी पूछता है कि आपने वैक्सीन लगवा ली है या नहीं, तो आप बोलते हैं लगवा लें, लेकिन सामने वाला प्रूफ मांगता है, तो आप प्रूफ के तौर पर इसे दिखा सकते हैं और बता सकते हैं कि हाँ, हमने कोविड 19 का टीकाकरण करा लिया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए।